हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 1। इस सीरीज के बारे में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको इस एपिसोड देखने के बारे में पता चल जाएगा। नाउ इस एपिसोड को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड की शूटिंग में हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर मिंग को दिखाते हैं, जिसका जन्म जी फैमिली में हुआ है। जी फैमिली एक शानदार क्लैन है। मिंग की लाइफ स्टार्टिंग से काफी ज्यादा अच्छी रही है, लेकिन केवल 10 साल तक। मिंग जब 10 साल का हुआ तब उसके पेरेंट्स की काफी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा पावर वाले लोगों से लड़ाई हो गई थी। मिंग के पेरेंट्स ने उनके साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। इसी दुश्मनी के चलते मिंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसी के बाद से मिंग का डाउन फेस शुरू हो गया। मिंग ने डिसाइड किया, जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है मैं उन सभी को मारूंगा और अपना बदला लूंगा। इसके लिए मिंग ने ट्रेनिंग करना शुरू किया। उसने खुद को कल्टिवेट किया और खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि उसके क्लैन के अंदर और उसके पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन सभी को लगने लगा कि मिंग इस टाइम पर हमारे गांव का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है। ये उन कल्टीवेटरों में से एक है जो अपनी पावर को सबसे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर ऐसे चलता रहा तो लगभग कुछ ही महीनों के अंदर इसकी पावर जेंगिंग से भी ज्यादा हो जाएगी। जब इस सभी खबर जेंगिंग वहां से पहुंचती है तो उसको बहुत ज्यादा जलन सी होती है। जेंगिंग मिंग का सौतेला भाई है। जेंगिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका छोटा भाई उससे ज्यादा आगे निकलने वाला है। इसीलिए जेंगिंग एक प्लान बनाता है। वो कुछ लोगों को साथ में लेकर मिंग के पास में आता है और उन लोगों की मदद से मिंग के ऊपर अटैक करके मिंग के मेरिडियंस को काट देता है। किसी भी कल्टीवेटर के कल्टीवेशन के लिए उसके मेरिडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनके बिना कल्टीवेशन करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसके बाद में भी मिंग शांत नहीं बैठता। अपने मेरिडियंस कटने के बाद भी मिंग अपने कल्टीवेशन का एक अलग तरीका निकालता है, जिसके लिए उसे ठंडे पानी में बैठना पड़ता है, जो कि कल्टीवेशन करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इस तरह से कल्टीवेशन करने पर मिंग की डेथ भी हो सकती है। वो इस खतरे को जानते हुए भी अपना कल्टीवेशन जारी रखता है। इसी वजह से उस गांव में रहने वाले लोग जो कि पहले मिंग की तारीफ किया करते थे, अब वही मिंग के ऊपर हंसने लगते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है। एक दिन मिंग कुछ खाने लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। उसी टाइम पर मिंग के ऊपर उसकी लाइफ का थर्ड इम्पैक्ट होता है। मिंग की मुलाकात एक भिखारी से होती है, जो कि मिंग को ताकतवर बनाने का वादा करता है और उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है। मिंग को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मिंग उस भिखारी से मिलने के लिए चला जाता है। जब रात को मिंग उस भिखारी से मिलता है तब वो भिखारी मिंग को लेकर एक पहाड़ पे आता है। एक चट्टान के ऊपर मिंग को बैठने के लिए कहता है। मिंग बिल्कुल वैसे करता है। इसके बाद में वो भिखारी मिंग के पास में आता है और उसके सर के ऊपर कोई स्किल यूज करते हुए अपनी दो उंगलियां टच करता है। अब तक मिंग को लग रहा होता है ये भिखारी मिंग की मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे वो भिखारी मिंग के ऊपर उन उंगलियों को टच करता है, मिंग की बॉडी अपनी जगह पर स्टक हो जाती है और उस भिखारी का असली चेहरा दिखाई देता है। ये भिखारी एक हारा हुआ आर्मी जनरल है, जिसकी फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसकी खुद की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। ये इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इसी तरह से छुपे हुए और फिरते हुए इसे एक एंशंट स्टोन मिलता है, जिसके अंदर बॉडी रीइंकार्नेशन की स्किल होती है। इसी स्किल का यूज करके ये जनरल हेवनली अर्थ के एक इनर डिस्पल के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है। 30 साल तक उसकी बॉडी के अंदर रहता है। इसके बाद भी इसके अंदर बदले की आग जलती रहती है। ये उन लोगों से बदले लेने चला था जिसने इसकी फैमिली को खत्म किया। इसीलिए ये हेवनली अर्थ के 3 स्पेशल ट्रेजर्स को चुरा लेता है। इसी वजह से हेवनली अर्थ का मास्टर इसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए ये एक भिखारी के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है और फिर तलाश में निकल पड़ता है किसी सुटेबल बॉडी के जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो। और इस तरह से इस भिखारी की ये तलाश मिंग के पास में खत्म होती है। जब मिंग को ये सब पता पड़ता है तब मिंग इस भिखारी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही बॉडी नहीं हूँ, मेरी तो खुद के मेरिटेंस कटी पड़ी है। भिखारी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास में एक पिल है, अगर तुम्हारे अंदर ये चली जाएगी तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। इस पिल को तुम्हें मुंह से नहीं खाना है, इसे मैं डायरेक्ट तुम्हारे दिल के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा। ये कहते हुए भिखारी उस गोली को निकालता है और फिर उस गोली को डायरेक्टली मिंग के दिल में इंजेक्ट कर देता है। इसी के साथ ही मिंग की बॉडी रिकवर होने लगती है। मिंग बेहोश जाता है। इसके बाद में वो भिखारी मिंग के पास में आता है और अपनी सोल को मिंग की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट कर देता है। यहाँ तक तो उस भिखारी का प्लान बिल्कुल सही तरह से चलता है। भिखारी बिल्कुल सही तरह से मिंग की बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन मिंग की सोल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो जल्दी से मिंग की बॉडी को छोड़ती नहीं है। भिखारी के पास में एक डिवाइन क्लोक होता है, जिसे यूज करने से पहले ब्लड के साथ में असाइन करना होता है और यहीं पर वो भिखारी गलती कर देता है।
वो अपनी नई बॉडी यानी मिंग की बॉडी का खून उस क्लॉक के ऊपर गिराता है, जिससे वो डिवाइन क्लॉक उस भिखारी की सोल से कनेक्ट होने के बजाय मिंग की बॉडी के साथ में कनेक्ट हो जाता है। उस डिवाइन क्लॉक के अंदर एक स्प्रिट होती है, जिसे पता चल जाता है कि मिंग की बॉडी के अंदर दो सोल्स है और दूसरी वाली एक्सटर्नल है। स्प्रिट तुरंत अपने काम पर लग जाती है और दूसरी सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है, और इस तरह से मिंग की बॉडी के ऊपर वापस से मिंग की सोल का कब्जा हो जाता है। सोल नष्ट हो जाने के बाद हम देखते हैं मिंग जो भी पड़ा हुआ है वो बेहोश है। थोड़े टाइम बाद में मिंग को होश आता है। होश में आने के बाद में मिंग की मुलाकात बेबिंग से होती है, जो कि वही फेरी स्प्रिट है जो कि उस क्लॉक के अंदर थी। ये फेरी स्प्रिट मिंग को दिखाई देने लगती है और ये मिंग को मास्टर कहती है। इसी फेरी स्प्रिट की मदद से मिंग को काफ़ी कुछ पता पड़ता है, जैसे कि किस तरह से वो भिखारी मरा, मिंग की बॉडी कितनी ज़्यादा रिकवर हो चुकी है और मिंग को आगे कल्टीवेशन के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद में मिंग अपने घर लौट जाता है और अपना कल्टीवेशन और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसी तरह से कल्टीवेशन और ट्रेनिंग करते हुए मिंग को 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब मिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसी टाइम पर मिंग के घर पे 2 लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज होते हैं। वो मिंग के घर के गेट को खोलने के बजाय तोड़ देते हैं। इनमें से एक का नाम है जेंग सियू, जो कि मिंग के कोई ना कोई से नंबर का भाई है, और लड़की का नाम है हान यू, जिसकी मिंग के साथ शादी सेट हुई है। अब क्योंकि मिंग कमजोर है और हान यू घमंडी है, इसलिए हान यू मिंग के साथ में ये शादी तोड़ना चाहती है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर इसी काम से आए हैं, ये जबरदस्ती मिंग से ये शादी तोड़वाना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों मिंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। इतनी इंसल्ट सुनने के बाद में मिंग भी पीछे नहीं हटता। हानियू कहती है बेवकूफ, मिंग कहता है तू बेवकूफ, हानियू कहती है पागल, मिंग कहता है तू पागल, हानियू कहती है कुत्ते, मिंग कहता है तू कुत्ती। अब ये सुनकर हानियू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हानियू छल के मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। इन 4 दिनों की ट्रेनिंग के अंदर मिंग इतना पावरफुल हो चुका होता है कि उसे संभाल सकता है। मिंग बड़ी सनी से हानियू को एक रुई की बोरी की तरह उछाल के फेंक देता है। ये देखकर जेंगसू गुस्सा आता है। जेंगसू मिंग से चला कहता है मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद में मिंग जेंगसू पे अटैक करने के लिए भागने लगता है। मिंग जेंगसू के पास में आता है और उसके पैर के ऊपर एक जोर से लात मारता है। मिंग के ये लात पड़ते ही जेंगसू के पैर की एक हड्डी टूट जाती है। जेंगसू चिल्लाते हुए जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पर मिंग थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसने जेंगसू की एक टांग तोड़ दी है, जिस वजह से क्लैन के हायर लोग मिंगो को सजा दे सकते हैं। फिर मिंग डिसाइड करता है इसकी दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं, सजा तो उतनी ही होगी। ये सोचकर मिंग जेंगसू की दूसरी टांग के ऊपर भी जोर से अटैक करता है और उसे भी तोड़ देता है। इसके बाद में जैसा मिंग को डर होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। ये सारी खबर क्लैन के हायर लीडर्स तक पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें पता पड़ता है जेंग जिंग, जिसने मिंग की मेरिडियंस को काटा था, इसने ये सब कुछ क्लैन लीडर के कहने पर किया था। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर थोड़ा टाइम बहस होती है। उसके बाद डिसाइड होता है कि मिंग को पकड़ा जाए, पीटा जाए, उसकी दोनों टांगें काट दी जाए, उसके बाद में उसकी जैसी भी हालत हो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। इसके बाद में क्लैन के काफ़ी सारे लोग मिंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो मिंग को हर जगह पर ढूंढते हैं। मिंग कहीं पर छुप जाता है और फिर डिसाइड करता है जैसे ही रात होगी वो जंगलों में चल जाएगा और थोड़े टाइम वहीं पर छुप के रहेगा। रात होते ही मिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। वो जब जंगल की तरफ जा रहा होता है, उसी टाइम पर वो अपने अंकल के घर के बाहर से गुजरता है। मिंग का अंकल घर के अंदर बड़बड़ा रहा होता है। उसी बड़बड़ाहट में मिंग को एक नाम सुनाई देता है, जी हुई, जो कि मिंग के डैड का नाम है। इस नाम को सुनते ही मिंग वहीं पर रुक जाता है। उस घर के अंदर मिंग के अंकल और आंटी के बीच में कुछ बातें होती है, जिन्हें सुनकर मिंग को पता चलता है मिंग के डैड को मिंग के ग्रैंडपा ने मारा है, वो भी उस गलती के लिए जो कि उन्होंने कभी की नहीं। ये सब सुनने के बाद में मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिंग अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करते हुए जंगलों की तरफ जाने लगता है और बिबिंग से कहता है, बिबिंग कोई भी तरीका बताओ, किसी भी तरह से मुझे जल्दी जल्दी ताकतवर बनना है। जैसे ही मैं ताकतवर बन जाऊँगा तब अपनी मॉम और डैड की डेथ का इन सबसे बदला लूँगा और ये बदला मुझे बहुत जल्दी लेना है। बिबिंग कहती है ठीक है। बिबिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।